हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं हूं जितेंद्र, आप देख रहे हैं प्रिंस टेक। आज के वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं कि मेरे पास से सैमसंग B31-3E मतलब 313E/D ये मोबाइल आया हुआ था। इसमें कहीं टेक्नीशियन ने देखा है तो इसको रिपेयर नहीं कर पाया। शायद इसमें प्रॉब्लम यह था, ये मॉडल नंबर है। इसमें प्रॉब्लम यह था कि एक नंबर, चार नंबर, सात नंबर और स्टार ये बटन वर्क नहीं कर रही थी। तो इसको हमने यूट्यूब पर सर्च किया और काफ़ी वीडियोस में देखा तो उसमें जम्पर क्लियर नहीं दिख रहा है, कहाँ पर जम्पर लगाना है मुझे। इसलिए हमने सोचा कि वीडियो बना दें, जिससे कोई नया मोबाइल सीख रहा है बनाने के लिए, कोई नया मिस्त्री सीख रहा है तो वो आसानी से जम्पर इसमें लगा सकता है। तो इसमें देखिए, हम इसमें फोकस कर रहे हैं, यहाँ पर दो पॉइंट दिख रहे हैं, एक उधर, ये तीन पॉइंट तो ये गोल्डन दिखेंगे आपको। और एक ये स्क्रैच करना है, एक ये स्क्रैच करना है। और दोनों स्क्रैच करने के बाद अगर ये बीच वाली बटन काम नहीं कर रही है तो इस पर जम्पर देना है तो बटन वर्क करने लगेगी। अगर ये नहीं काम स्टार और चार सात एक अगर वर्क नहीं कर रहा तो इस वाले पॉइंट से एक जम्पर लेना है और ये बैटरी कनेक्टर के पास में पीछे तरफ ये एक रेजिस्टेंस लगा होता है। यहाँ पर दो रेजिस्टेंस दिख रहे होंगे, एक कैपेसिटर दिख रहा है ये वाला और ये कैपेसिटर है और ये रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस है। तो इस रेजिस्टेंस के उस पार इसको जम्पर कर देना है, यहाँ से जम्पर लेके इस पॉइंट तक जम्पर लगा देना है और ये प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। इसमें शायद क्लियर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर दो पॉइंट दिख रहे हैं, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। तो इधर वाले पॉइंट पर नहीं लगाना है, इस साइड के पॉइंट पर हमको लगाना है। जब पीसीबी इधर इधर रखी होगी तो इस साइड के पॉइंट पर लगाना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।